हाँ जी स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर सुखपाल सिंह, गुरु नानक का खालसा कॉलेज सुल्तानपुर लोधी। अज मैं ट्रिग्नोमैट्री का सैकेंड लैक्चर लैके आया। पांच क्वेश्चन तक मैं करवा चुका सी। पहला सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लो। अ हॉर्स इज टाई टू ए पोस्ट बाय अ रोप। इफ हॉर्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर when it has traced 72 degree at center, find length of rope। जिन्नी लंबी स्टेटमेंट आ उतो कितने छोटा है इसका क्वेश्चन का आंसर है। एक हॉर्स आ वो एक रोप के नाल ओ पॉइंट से टाई किया हुआ बनया हुआ उस लेंथ फाइंड करनी है। वो एक रस्सी बन्नण दे नाल की हुंदा इत्थे होर्स आ इत्थे टाई किया होया वो कदी तां रस्सी टाई करके इधर जांदा कदी इधर जांदा इदां मूव करदा पिया। तो क्वेश्चन ये है कि पहला सपोज करो होर्स इत्थे आ इस पॉइंट ते आ वो 72 डिग्री एंगल रोटेट करदा नाल दी नाल 88 मीटर आर्क बना रहा। तो पुछया ये आ कि लेंथ उस रोप की किन्नी होएगी उसी फाइंड करना। तो तुम याद होना कि साढ़े को रिलेशन होंगे थीटा एल ओवर आर वो असं रिलेशन चूज करके वो आर की वैल्यू फाइंड करा। बहुत सिंपल वेरी सिंपल सोल्यूशन थीटा 72 डिग्री। जो भी सर्कल की गल करनी है उदो असी एंगल रेडियन च लेना। सो की करा 72 इनटू 72 180 ओवर आई दसिया सी ना तुहानू 180 डिग्री इज इक्वल टू आई रेडियन। ठीक है जी। सो 1 डिग्री की वैल्यू आई ओवर 180 आई ओवर 180 के नाल मल्टीप्लाई कर दो ये साढ़े कन्वर्ट हो गए रेडियन। असी थोड़ा कैंसल करांगे वो साडा एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। हुण थोड़ी वैल्यू पुट कर लो 72 इंटू 22 ओवर 7 180। सिंपलीफाई करांगे असी सिंपलीफाई करिए 90 और सिंपलीफाई करो 45 36 मल्टीप्लाई करके आ गया साढ़े को थोड़ा जा सिंपलीफाई कर लो सोर के नाम कैंसल कर लो। ठीक है रेडियन आ गया। एक चीज होर कहनी है सानू लेंथ ऑफ आर 88 मीटर। ठीक है जी 88 मीटर तो साढ़े को रिलेशन आ असी इन यूज करांगे जूल थीटा एल ओवर आर। असी आर कैलकुलेट करना इतने लेंथ ऑफ रोप फाइंड करनी है। सो आर की वैल्यू आ जाएगी एल ओवर थीटा। वैल्यू पुट कर दो एल की वैल्यू साढ़े को 88 ओवर असी पुट करांगे थीटे की वैल्यू विच इज़ 18 पाई ओवर 45 मीटर।
फिर ऐसी प्रॉपर कर दो 88 इंटू 45 ओवर पाई। इन हम थोड़ा सिंपलीफाई करोगे वो साड़ा आंसर आ जाएगा। तुम इतने हम पाई की वैल्यू पुट करो 88 इंटू 45 ओवर 22 इंटू 7। आफ्टर सिंपलीफाई तुम देखोगे कि यहाँ आंसर आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है जी, हम असं नैक्सट क्वेश्चन करा फिर एक बार देख लो कि गिवन है। एक तो एंगल एट सेंटर रेडियन कन्वर्ट करना पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई करके, एक ए आर्क गिवन है 88 मीटर। सो थीटा एल ओवर आर, सो आर की वैल्यू एल ओवर थीटा असी इतने फाइंड करना सी लेंथ ऑफ रो, नॉट आर्क, लेंथ ऑफ रो फाइंड करनी है एल ओवर थीटा। सो वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड थीटा 70 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। देखो क्लॉक नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लोंग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। देखो ऐसा एक साढ़े को वॉच है 1.5 सेंटीमीटर लोंग है, 40 मिनट विच, 40 मिनट विच कितना डिस्टेंस मूव करती है वो असी देखना। 40 मिनट, ठीक है जी, 40 मिनट विच कितना डिस्टेंस मूव करती है वो असी देखना। ध्यान समझो कि गिवन है इस क्वेश्चन दे विच। ये मैं गल पहले समझा चुके हैं, क्लॉक का क्वेश्चन है। एंगल ट्रेस्ड बाय, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, मैं मिनट हैंड शॉर्ट च लिखे करूँगा एम कैपिटल एम एंड एच। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 360 एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 ओवर 60, दैट इज 6 डिग्री। ठीक है जी, किसी भी क्लॉक दी मिनट हैंड 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट, 40 × 6 विच इज इक्वल टू 240। क्लियर जी, 40 मिनट। मैं फिर रिपीट कर दूंगा एक बार, चाहे ऐसा देख लो ये एंगल 240 रेडियन, 240 डिग्री, 240 डिग्री, 1.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड की करना असी आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, ये असी फाइंड करना। आर 1.5 सेंटीमीटर जूस, ये जड चूज करांगे थीटा एल ओवर आर। सो असी फाइंड करना एल, सो एल इज आर थीटा। एक चीज रह गई जो पेंडिंग है, असी डिग्री तो कन्वर्ट करांगे रेडियन दे विच पाई ओवर
180 देख लीजिए, 0 तक ऐसे कैंसिल कर दो, 0 कैंसिल करोगे तो उसके बाद की आएगा साढ़े को, दो से कैंसिल करो 12 बाई ओवर 9, ठीक है, ओवर 9। फर्दर 3 से कैंसिल कर दो, 3 बाई 4 बाई ओवर 3, यह आ गया साडा एंगल ट्रेस्ड इन 40 मिनट, 4π/3। सो आर की वैल्यू हैगी साढ़े को 1.5, थीटे की वैल्यू हैगी साढ़े को 4π/3, इनू सिंपलीफाई कर लो वो साड़ी आ जाएगी लेंथ, ठीक है जी, वो आ जाएगी लेंथ 15/10 इंटू 4/3 इंटू 22/7, इनको असं सिंपलीफाई करा तो साढ़ा आएगा आंसर 5, उसके नाल कैंसल कर दो 11, तो भी कैंसल हो गए, बाकी साढ़े को रह गया 44/7, 44/7 सेंटीमीटर, ये आंसर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, एंगल गिवन है। मैं एक बार फिर रिपीट करता, मैं पहले लैक्चर के समझाया सी एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, ठीक है जी, 60 मिनट, जो 60 मिनट पूरे कर दी है ना वो 360 डिग्री एंगल जनरेट होंगा, असी 60 डिवाइड करांगे 1 मिनट, 1 मिनट एंगल बनाएगा 60 डिग्री, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट बनाएगा 60 डिग्री, ऐदा ही 5 मिनट बनाएंगे 30 डिग्री एंड सो इसी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर, फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियस। साढ़े को ना दो सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल दे विच एक गल उन्होंने कही है आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम लैनी है, रेडियस अलग अलग आ, उन्हें रेडियस की असी रेशियो फाइंड करनी है। सपोज करो जिहड़ा फर्स्ट सर्कल आ उहदा रेडियस आर वन, जो सैकेंड सर्कल आ उहदा रेडियस आर टू, ठीक है जी, ये हो गया सेंटर, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर सी वन, सैकेंड सर्कल का सेंटर सी टू, आर्क लेंथ सेम, ठीक है जी, आर्क लेंथ सेम एंड एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 75 डिग्री, ये गिवन है। क्वेश्चन ये आ जे दो सर्कल की आर्क लेंथ सेम हो गए, एंगल 60 ते 75 डिग्रीज हो एट सेंटर, दैन असी रेशो फाइंड करनी है उन्होंने रेडियस की, यह साडा क्वेश्चन है, वो असी हम सॉल्व करांगे। लेट आर वन एंड आर टू बी रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, एंड एल बी सेम आर्क लेंथ, ठीक है जी, आर्क लेंथ सेम। थीटा वन साढ़े को 60 डिग्री, थीटा टू साढ़े को, जो मैं थीटा वन चूज कर रहा फर्स्ट सर्कल पर, थीटा टू मैं चूज कर रहा सैकंड सर्कल पर, थीटा टू साढ़े को 75 डिग्री, कन्वर्ट कर लो 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल होंगे, सो 60 इंटू पाई ओवर
180 ये रेडियन च कन्वर्ट कर लिया असी, इदा ही इनू भी कन्वर्ट कर लो। ये आ जाएगा साढ़े को 180 75 इंटू पाई ओवर 180। ठीक है जी, ये साडा रेडियन च कन्वर्ट हो गया। हुण साढ़े को रिलेशन है थीटा एल ओवर आर। साढ़े को रिलेशन की है थीटा, की यूज करना थीटा एल ओवर आर। सो एल आ जाएगा थीटा इंटू आर, आर इंटू थीटा। ठीक है जी, एल हो गया आर थीटा। एल फाइन करो, एल फाइन करो, जहाँ तुसे की करो इतों रेडियस ही फाइंड कर लो, क्योंकि असी रेडियस की रेशो फाइंड करनी है ना, आर एल ओवर थीटा। ये फाइंड कर लो एल ओवर थीटा। अच की करेंगे असी, आर वन, आर वन एल ओवर एल का सेम ओवर थीटा वन, इधर तुम कैलकुलेट करोगे आर टू। सो आर टू एल ओवर थीटा टू। ठीक है जी, यही मैं सेम रिजल्ट चूज करता पाया, थीटा एल ओवर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो आर एल ओवर थीटा वो रिजल्ट चूज किया। फर्स्ट सर्कल के लिए आर वन थीटा वन यूज हो रहा है, सैकेंड सर्कल के लिए आर टू थीटा टू यूज हो रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क सेम। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करिए, एल सेम, थीटा वन की वैल्यू 60 इंटू पाई ओवर 180। ऐसा ही इतने पुट करो वैल्यू, एल ओवर 75 इंटू पाई ओवर 180। हुण असीं रेशो फाइंड करांगे बोथ रेडियस दी, जो पुछा समझो क्वेश्चन है साडा मेन क्वेश्चन, असी रेशो फाइंड करनी है। रेशो फाइंड करो, हाँ जी आर वन ओवर आर टू, रेशो फाइंड करो एल ओवर 60 इंटू पाई ओवर 180, एल ओवर 75 इंटू पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 कैंसल, एल भी कैंसल। ठीक है जी, तुसी अपने तरीके ना सॉल्व कर लियो, जो करना होगा तो वैसे सिंपल है, तुसी इस वे ना कैंसल कर सकते क्योंकि कॉमन नहीं है। तो साढ़े को बचा 1/60, 1/75, रेसिप्रोकल कर दो 75/60, इन तुसी 15 ते कैंसल करो। ठीक है जी, ये साड़ी रेशो आ गई आर वन ते आर टू की, उम्मीद है कि तुम समझ आ गई होएगी। सो आर वन रेशो आर वन इज टू आर टू आ गया साढ़े को 5:4, ये साड़ा आंसर है। ठीक है जी, इस रिजल्ट चूज किया ठीक है एल ओवर। हाँ जी, देखो तुसी किस तरीके ना नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नाल दी नाल लैक्चर टू जिदा तुसी कर रहे हैं ना, इन्हां नूं तुसी नाल दी नाल राइट डाउन करना कॉपी दे उपर, पॉज करके वीडियो नूं नाल दी नाल तुसी राइट डाउन करोगे कॉपी ते, कंप्लीट नोट्स तैयार करने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उन्हां च वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सानू ये पूछा फाइंड एंगल बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ऑफ ए क्लॉक एंड आवर हैंड,
इन्हों मैं शॉर्ट लिखे करूँगा आवर हैंड नू एच एच एम एच मेंट हैंड डबल एच आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 व्हेन द टाइम व्हेन द टाइम इज 7:20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि मिंट हैंड ते आवर हैंड च कितना एंगल बन रहा जो तो टाइम होएगा 7:20 असी क्लॉक बनावांगे। ठीक है जी, इत्थे हुंदा 12, इत्थे हुंदा 3, इत्थे 6, इत्थे हुंदा 9, इदां ही इत्थे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुण 7:20 ये सेंटर हो गया क्लॉक का, ये होगी मिनट हैंड जो लार्जर लार्ज हैंड आ, ये स्मॉल हैंड आवर हैंड। ठीक है जी, ये उहदा हो गया सेंटर, ये असी एंगल फाइंड करना। ठीक है जी, ये असी एंगल फाइंड करांगे कितना होएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं फस्ट लैक्चर के एक्सप्लेन किया कि जो घंटिया वाली सुई घूमती आ तो एक घंटा 30 डिग्री एंगल बनाता, जो मिनट हैंड रोटेट करती आ 1 मिनट 6 डिग्री एंगल बनाता। जो तुम शॉर्टकट करना ना तो याद रखोगे थर्टी डिग्री, देखो ना बार बार एक घंटा हो रहा यह 30 डिग्री एंगल बनेगा। ऐदा ही 1, 2, 2 जो जाओगे ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा, ऐदा ही 1 मिनट 6 डिग्री एंगल क्रिएट होंगे। जो तुम शॉर्टकट क्वेश्चन करने हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 1-2 सेकंड के टाइम से आंसर देना था, यह शॉर्टकट से चूज कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में किवें असी सॉल्व करना वो देखते हैं। सब तो पहला असी आवर हैंड की गल करते हैं, एंगल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंगल ट्रेस्ड बाय मिंट हैंड इन, हाँ जी 60 मिनट होंगे ना टोटल, जो वीडी सुई चलती है ना तो 60 मिनट जो एक चक्कर लगा 360 एंगल का तो 60 मिनट एंगल ट्रेस्ड बाय मिंट हैंड इन 60 मिनट। ठीक है, एंगल कितना ट्रेस होंगे 360 डिग्री, ऐसे ही एंगल ट्रेस्ड बाय मिंट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट कितना ट्रेस होएगा 60 डिवाइड कर दो। ठीक है जी, कितना आ गया 60। मैं अपने दस के हटे हाँ कि एक मिनट कितना एंगल ट्रेस करता 60 डिग्री, तो साढ़े को किन्ने मिनट है टोटल 20 मिनट, 20 मिनट। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिंट हैंड इन 20 मिनट कितना होएगा 6 × 20 दैट इज 120 इन एंगल होएगा। ठीक है जी, सो मिंट हैंड 120 एंगल टोटल बना रही है, ये वाला एंगल 120। जिदा मैं तुम्हें पहला दस चुके हाँ कि ये बनाएंगे 30 + 30 = 60 + 30 = 30 ऐड करे जाओ इदा भी कर सकते हैं तो 120 बन गए। हुण असीं देखांगे आवर हैंड कितना बनाती है, अगेन अगेन एंगल ट्रेस्ड बाय एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर इज इक्वल टू 360। ठीक है जी, छोटी सुई टोटल जो 360 का राउंड लगाती है तो 12 आवर बनते हैं, इदा ही एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू 360/12 दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल ट्रेस होएगा 1 आवर
30 डिग्री एंगल ट्रेस करेगी। साढ़े को किन्ने आवर है टोटल वो असी कैलकुलेट करिए पहला, फिर उसी साइड पर कैलकुलेट करा। ध्यान दे नाल समझनी है चीज़, साढ़े को 7 आवर एंड 20 मिनट आ। ध्यान नाल समझनी है, साढ़े को टोटल 7 आवर एंड 20 मिनट। असी ये आवर बनावे 7 प्लस 20 मिनट दे घंटे बनाओगे, 60 डिवाइड कर दो, टोटल इन्ने साढ़े को आवर्स आ गए। दैट इज 7 प्लस 1/3 आवर, दैट इज 22/3 आवर। सो 7 20 इज इक्वल टू 22/3 आवर्स। सो एक घंटे च एक घंटे जो असी एंगल देखना तो एक घंटे च 30 डिग्री ट्रेस होएगा, साढ़े को टोटल 22/3 आवर्स आ, वो कि ट्रेस करेंगे वो हम असं कैलकुलेट करा। एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन, साढ़े को टोटल किन्नी आवर्स आ 22/3 आवर्स, कि होएगा ट्रेस 22/3 × 30। ठीक है जी, कि एंगल टोटल ट्रेस होएगा, इन सिंपलीफाई कर दिए कि आ गया 220 कैंसल होने तो बाद। ठीक है जी, आवर हैंड 220 डिग्री एंगल बना रही है टोटल। एक गल समझो ध्यान दे, 220 का मीनिंग ये आ वाला एंगल। ठीक है जी, आ 220 ये वाला एंगल मिनट हैंड इतने इस टाइम पर आ, वो सी 120। मैं चाहिए ये वाला एंगल आ, वो मैं माइनस कर दाँगा तो मेरे को ये वाला एंगल आ जाएगा। ये ध्यान ना समझो, आवर हैंड ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला 220, एंड मिनट हैंड ये वाला एंगल बना रही है, बट मैं ये चाहिए मैं माइनस कर दूंगा 220 चो 120 माइनस कर दो, वो साड़ा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। हाँ जी, रिक्वायर्ड एंगल 220 माइनस 120 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये असी डिग्री कैलकुलेट कर दिता, जो तुम चाहो तो इन डिग्री कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एक बार फिर समझाना चाहूँगा, 720 पर देखना किन्ना एंगल ट्रेस हो रहा, वो सब तो पहला मिनट देख लो। ठीक है जी, वैसे सूँ पता ही है कि एक मिनट 6 डिग्री एंगल जनरेट करता। ठीक है जी, साढ़े को 20, इस करके 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा इदा ही याद रखो कि 1 मिनट 6 डिग्री एंगल जनरेट करता, साढ़े को 20 मिनट है टोटल, इस करके वो 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 120 डिग्री एंगल ट्रेस करेगा। आया किस तरह 6, वो तो मैं दस चुके हैं पहले, 360 डिवाइड कर दो 6 आ जाता। बिल्कुल सेम वे 1 आवर एंगल ट्रेस करता 30, तो साढ़े को टोटल किन्ने आवर्स आ वो मैं साइड पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, 720 दे 720 का मीनिंग है 7 आवर एंड 20 मिनट। मिनट दे भी आवर बना लो 60 ना डिवाइड करके, तो साढ़े को आ गए 22/3 आवर्स आ साढ़े को टोटल। 1 आवर 30 डिग्री एंगल जनरेट करता, इन्ने आवर्स किन्ने करे 30 में मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया 220। इन्ने आवर्स टोटल, इन्ने आवर्स इन्ना एंगल ट्रेस करे, 20 मिनट इन्ना एंगल ट्रेस करे, इन्होंने माइनस कर दो, वो साडा रिक्वायर्ड ये वाला एंगल आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने सानू की कहा सी, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के विचला असी एंगल फाइंड कर, वो असी ये फाइंड कर लिया 100 डिग्री। तुसी इन्हों रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। हुण इसे क्वेश्चन का आंसर जी असी शॉर्टकट वे देना हो वे, कुछ सैकंड दे विच तां की मैथड आ वो समझ लो। ठीक है जी, हमेशा याद रखना 1 मिनट एंगल ट्रेस करता 6 डिग्री, एंड 1 आवर 30 डिग्री। बड़े ध्यान नाल समझनी आ,
जो भी साढ़े मिनट होंगे असं सिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 120, ठीक है जी। शॉर्टकट जिन्हें भी मिनट होंगे इधर तो देखना ही नहीं, जिन्हें भी मिनट होंगे जो 20 या 20 में सिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री एंगल फेस करता, तो उन्होंने 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 120 आ गए। उस तो बाद जो असं आवर्स देखने हैं ना, उन्होंने असं फिर 30 में मल्टीप्लाई करना, कि करना 30 के नाल 7 मल्टीप्लाई करना 30 के नाल, कितने आ गए 210। तो शॉर्टकट ये आ कि प्लस यदा हाफ एड कर दो 10, 220 आ गए, हमेशा हाफ ही एड कर दो, 220 आ गए, इन्हों माइनस कर दो, 100 आंसर आ गया। शॉर्टकट मैं फिर रिपीट कर देव, जो असी आवर हैंड देखना 7 मल्टीप्लाई कर दो 30 के नाल, क्योंकि 1 आवर 30 डिग्री एंगल ट्रेस करता, इस करके असं 30 ने मल्टीप्लाई किया 210 आ गया। प्लस जो भी मिनट होंगे उन्होंने आवर चेंज करना, असं जिदा इतने किया जरूरत ही नहीं चेंज करने की, मैं तुम्हें शॉर्टकट दस रहा कि हाफ करके जस्ट उही एड कर दो, 220 आ गए। इदा ही इसी आवर हैंड की गल, मिनट हैंड 120 किमें आया 6 में मल्टीप्लाई करके, सपोज करो ठीक है जी 100 आंसर आ गया। तुसी देखना कि जो टाइम आ साढ़े को 5:10 उदों मिनट हैंड तो आवर हैंड च कि एंगल बनूगा वह असी देखना। फिर की मैथड, ये मिनट 6 में मल्टीप्लाई करोगे 60, ठीक है जी। आवर इनू असी 30 में मल्टीप्लाई करना, 30 × 5 किन्ने हो गए 150, यदा हाफ में ऐड करना ये हो गए 155, ये हो गई आवर हैंड की गल, ये हूँ ये 60 माइनस कर दो, ठीक है जी, वो साडा आंसर है। ये शॉर्टकट कि तुम क्वेश्चन जो तुम कंपीटेटिव एग्जाम दोगे तुम ये शॉर्टकट यूज करने पैणगे। तो मैं रिपीट कर देव, मिनट में 6 नाल मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी, 20 में 6 नाल मल्टीप्लाई किया 120, उतार लियो बहुत यूज हो गया है जल्द 120। आवर में 30 नाल मल्टीप्लाई करना 210, यह वैसे ही हाफ जिन्ना भी होएगा हाफ एड कर दो 220, ठीक है जी, वड्डे चो छोटा माइनस कर दो आ जाएगा 10 कर दो। सेम इतने 10 नू 6 नाल मल्टीप्लाई किया, 10 नू 6 नाल मल्टीप्लाई किया 60, 5 नू 30 नाल मल्टीप्लाई करना 150, यदा हाफ एड कर दो 155, 60 माइनस कर दो, इतने आंसर आ जाएगा। ये मेरी 3A एक्सरसाइज कंप्लीट है। अच्छ लैक्चर नंबर 3rd मैं कल करवा जा रहा, लैक्चर नंबर 3rd कल करावे, जिद मैं 3B एक्सरसाइज करवा जा रहा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देव, मैं स्पैक्ट्रम की बुक फॉलो कर रहा, CBSE बोर्ड वाले भी एंड पंजाब बोर्ड वाले भी बड़े ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है जी। कल मैं अच्छ 3A एक्सरसाइज कंप्लीट आ, कल लैक्चर नंबर 3rd में मैं 3B एक्सरसाइज करवा जा रहा। जे तुम मेरिया वीडियो पसंद आदि हो शेयर भी कर दियो, सबसक्राइब भी कर दियो, लाइक भी कर दियो, ठीक है जी, मैं थोड़ा हौसला मिलता रहूगा। थैंक यू।